नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है टाटा मोटर्स की 410/36 चेसिस पर बनी हुई ACGL यानी कि ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन गोवा लिमिटेड के द्वारा बनाई गई एक स्कूल बस, जो बिल्कुल फ्रेश लुक में आप देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करते हैं। फ्रंट लुक आप चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी एग्रेसिव लुक है इसका। यहाँ पर आपको मिलते हैं ग्रे कलर में काफ़ी शानदार ग्रिल, इसी के साथ साथ यहाँ पर सिल्वर कलर में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो है, यहाँ पर लाइसेंस प्लेट के लिए जगह है। इस बस में आपको ड्यूअल हैलोजन हेडलैम्प दिया है, यहाँ पर इंडिकेटर है और ये हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प और इंडिकेटर्स है। ब्लैक बॉर्डर के साथ काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है इसका लुक। फ्रंट विंडशील्ड की बात कर ले तो फ्रंट साइड में आपको मिलता है लैमिनेटेड विंडस्क्रीन। यहाँ पर दो वाइपर्स दिए गए हैं जिनमें वाटर जेट भी दिए गए हैं ग्लास को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर स्कूल बस का लोगो है, इस साइड में आप देख सकते हैं साइड लुक इस प्रकार दिखता है इसका। ये एक मीडियम सेगमेंट की बस है, मतलब एंट्री लेवल स्कूल बस आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ये टायर्स इसकी बात कर ले तो इसमें आपको 7.50/16 LT सेक्शन के टायर्स मिलते हैं और ये इसमें 6 बोल्टेड व्हील्स मिलता है आपको। इसके फ्रंट एक्सल पर दिए गए हैं आपको लिफ्टिंग सस्पेंशन। यहाँ पर साइड इंडिकेटर है और यहाँ पर आपको साइड मार्कर लैम्प भी मिल जाता है एडिशनल सेफ्टी के लिए। इस साइड में इसका डोर है, यहाँ पर एक फोल्डेबल स्टेप है, मतलब अगर आप चाहे तो इसे आप बाहर भी निकाल सकते हैं। गजब बेइज्जती है। वन सेकंड, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये स्टेप आ जाती है, मतलब जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उनको चढ़ने के लिए दिक्कत होती है, तो यहाँ पर वो पैर रखकर आसानी से अंदर चढ़ सकते हैं। और इस साइड से देखिए आप कितनी बड़ी स्टेप है, वो चढ़ने के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। जब आपका काम हो जाए तब इसे आप अंदर फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका बैटरी बॉक्स है और ये इसका रियर व्हील। यहाँ पर एडिशनल वेट दिए गए हैं व्हील बैलेंसिंग के लिए। साइड में आपको डबल टायर मिलता है और यहाँ पर लिफ्टिंग सस्पेंशन दिया गया है। पेंट क्वालिटी ACGL की काफ़ी अच्छी लगी। रियर लुक की बात कर ले तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लाइसेंस प्लेट के लिए यहाँ पर जगह दी गई है और यहाँ पर लाइसेंस प्लेट लैम्प। रियर साइड में आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको कुछ 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पर चढ़ने के लिए एक जगह दी गई है जिसकी मदद से आप यहाँ पर पैर रखकर रियर ग्लास क्लीन कर सकते हैं। और रियर साइड में 2 हैंडल भी दिए दोस्तों, मतलब इतना बारीक ध्यान रखा है कंपनी ने, क्योंकि गाड़ियों के रियर ग्लासेस बहुत ख़राब होते हैं, पर इसमें साफ़ करने के लिए आपको यहाँ पर चढ़ने के लिए भी सुविधा दी गई है। गाड़ी की जो हाइट रात में पता लग सके इसलिए आपको यहाँ पर अपर साइड में हाइट मार्कर लैम्प भी दिए गए हैं रेड कलर में। टेल लैम्प्स की बात कर ले तो ये देखिए टेल लैम्प्स की जो बॉर्डर फिनिश है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है। यहाँ पर इंडिकेटर लैम्प, यहाँ पर रिवर्स लैम्प और यहाँ पर आपका ब्रेक लैम्प। ACGL का लोगो आप चेकआउट कर सकते हैं। 3D बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। अभी तक इसका ऊपर का स्टिकर भी नहीं हटा है दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू बस आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इसका ड्राइवर साइड लुक, ये देखिए ACGL की बसेस का पर्सनल जो लुक है मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब जो टाटा की पहचान है ना दोस्तों ACGL में बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पर है इसका रियर इमरजेंसी एग्जिट जो इस प्रकार खुलता है। ये देखिए यहाँ पर खोलने के लिए जगह है और यहाँ पर एक स्टेप दी गई है, मतलब आपातकालीन परिस्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 1, 2 और 3 ऐसे आपको 3 साइड मार्कर लैम्प मिलते हैं। इसके अलावा ये ग्लास भी टूट सकता है और यहाँ पर भी आपको एक इमरजेंसी ग्लास दिया गया है। ये देखिए आप इसका उपयोग भी इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर कर सकते हैं। यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक लोकेशन, चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए इस प्रकार इसका डोर खुलता है, सिंपल डोर है, कोई इसमें ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, पर काफ़ी अच्छी लगी मुझे बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर डोर ओपनिंग लीवर है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया भाई, ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ पर बॉटल होल्डर कह सकते हैं या इसे एक, आपको यहाँ पर एक स्पेसिंग दी गई है। अंदर देख सकते हैं आप GI मेटल शीट अच्छी क्वालिटी का है। अंदर चलते हैं। ये है इसका शानदार डैशबोर्ड। इस बस में आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यहाँ पर टाटा मोटर्स का लोगो है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पर टेम्परेचर मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है। साथ ही साथ इसमें आपको मल्टी इन्फ्रारेड डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एडब्ल्यू लेवल गेज, एयर प्रेशर गेज, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि आपकी जो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है, अभी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है आपको ये दिखाती है। लगभग इस गाड़ी ने 8.8 यानी कि लगभग 9 का माइलेज दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिलता है, यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर बैटरी वोल्टेज गेज है। इसी के साथ साथ इस बस में आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इस बस में आपको 100 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है जो ऑलमोस्ट 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूम ए और रूम बी लाइट के कंट्रोल है, मतलब देखिए अगर हम इसे ऑन करते हैं तो ये जो अंदर की दो लाइट्स है वो चालू हो जाएंगे
और अगर हम इसे बंद करते हैं तो ये देखिए लाइट बंद हो गए। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेप लैंप आपको मिलता है, जो इसकी स्टेप है यहाँ पर जो स्टेप दी गई है उनके यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिलता है, रात के समय में काफ़ी मददगार होता है, आप इसे इसकी मदद से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर फैन आपको मिलता है, ड्राइवर के लिए सुविधा दी गई है, ये देखिए। यहाँ पर कैबिन लैंप का बटन है, ये देखिए, यहाँ से अगर हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर दो कैबिन लैंप इसके ऑन हो चुके हैं। आपकी गाड़ी का कोई डोर वगैरह खुला रह गया है तो यहाँ से आप इंडिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। डोर के नीचे जो आपको मैंने एक छोटी स्टेप दिखाई थी, अगर वो भी बाहर ले गई थोड़ी भी तो ये बीप बजता है। अगर इमरजेंसी डोर खुला है, एंट्री डोर खुला है तो ये बीप करने लगता है, जो एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। इसी के साथ साथ इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रीजनरेशन ऑफ करने का बटन मिलता है और यहाँ पर रीजनरेशन ऑन करने का बटन मिलता है। और इस बस में आपको एग्जॉस्ट ब्रेक भी मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हज़ार्ड लैंप का बटन है, यहाँ पर बैटरी कट ऑफ स्विच का बटन है। अगर हम इसे दबाते हैं ना दोस्तों, आप देखना बंद, आप कितनी भी चाबी दे दो गाड़ी चालू ही नहीं होगी। और ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। बहुत सारे जो नए ड्राइवर हैं अभी अभी आए हुए, तो उनको लगता है कि भाई गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, तो इसका एक रीज़न है, आप ये भी चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ये बटन बंद होगा तो ये चालू नहीं होगी। अगर देखिए जिसे हम इसे प्रेस करते हैं, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट बटन मिलता है, ये देखिए आप पास से देखिए, यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का बटन है। यहाँ पर इसमें हेडलैम्प के कंट्रोल दिए गए। इस नॉब को देख के मुझे वोल्वो की याद आ गई भाई। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल से और यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल का बटन है शायद से। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए इंडिकेटर के बटन से, ये देखिए इस प्रकार साउंड आता है। और यहाँ पर देखिए पास लाइट का बटन है, मतलब हेडलैम्प्स वगैरह को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस साइड में आपको 5 वोल्ट 2.4 एम्पीयर के चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, जिसकी मदद से आप फोन्स वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं ये ब्लू बॉर्डर है, ये ग्लो होती है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब रात में काफ़ी एक अच्छा लुक आपको मिल सकता है। इसका ओबीडी स्कैनर है, इधर वायर टैंक है जिसको आप इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, ये निकल जाता है। अगर आपको फिट करना होगा तो आपको बस यहाँ आना है आपको और इसे नीचे प्रेस करना है, ये फिट हो जाएगा। और इस साइड में आपको मिलता है पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर इसकी चाबी है। इनमें देखें यहाँ पर एक सनवाइजर मिलता है, इसमें आपको फायर सेफ्टी सिस्टम भी मिलता है, जो काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों। क्योंकि किसी भी जोन में, चाहे वो जोन ए हो, जोन बी हो या रियर मोस्ट जोन सी हो, अगर किस में आग लगती है तो इसमें आपको इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो आप अलर्ट हो सकते हैं। और दोस्तों ये फीचर आपको वोल्वो जैसी प्रीमियम बसेस में भी मिलता है। टाटा मोटर्स ने भाई सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है BS6 बसेस में। यहाँ पर एक हूटर मिलता है और दो लाइट्स आपको दिख जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्पीकर के लिए स्पेसिंग है, अगर आप इसमें स्पीकर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस साइड में आप होल करके लगा सकते हैं। ये है इसका शानदार सिटिंग एरिया। आप ग्रीन और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में इस गाड़ी का जो इंटीरियर है बहुत बढ़िया लग रहा है। बैक पिलर जो आपको वो भी ग्रीन कलर का मिलता है। यहाँ पर LED लाइटिंग दी गई है जो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अपर साइड में बच्चों को बैग्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, हेड रैक आपको मिलता है। यहाँ पर हर सीट के यहाँ पर आपको इमरजेंसी हेल्प बटन मिलता है। और रियर देख सकते हैं आप भाई, हम जब छोटे थे तब उस समय में AC बसेस क्यों नहीं थी यार, बहुत अच्छी कंफर्टेबल लगी। लेग स्पेस देखिए आप रियर साइड में, जो पीछे बैठेंगे भाई बच्चे उनके तो मजे मजे यार इस बस में। यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है आपको, यहाँ पर इमरजेंसी डोर है, इसकी मदद से आप आपातकालीन परिस्थिति में उतर सकते हैं। जैसे कि साथ साथ इस प्रकार इस गाड़ी का लेआउट दिखता है। और इस बस में आपको मिलती है एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग, मतलब फिसलने का कोई खतरा इसमें नहीं होता है। ज़्यादा बच्चे हो गए तो बैग्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आपको एडिशनल स्पेसिंग भी सीट के नीचे दी गई है। और साथ ही साथ विंडोज़ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो मिलती है और यहाँ पर एक फिक्स विंडो दी गई है। इस साइड में एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इस साइड में एक फायर एक्सटिंग्विशर है। आपने एक बात नोटिस की होगी तो यहाँ पर एक वायर और यहाँ पर एक वायर है, अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ देते हैं और ये जो फायर सेपरेशन सिस्टम है, अभी इसमें फॉल्ट आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर जो फॉल्ट कोड डिटेक्ट हो रहा है, इसका वजह है कि अभी इसको डिसकनेक्ट करके रखा गया है, क्योंकि अभी गाड़ी स्टॉकयार्ड में खड़ी है और अगर कोई हैपनिंग होती है दोस्तों तो गाड़ी अपने आप आग बुझाती है, मतलब इसमें फायर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए 4X फायर सप्रेशन सिस्टम इसमें दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लगा मुझे, हेड्स ऑफ टाटा मोटर्स। और यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिलता है, यहाँ पर डोर आप चेकआउट कर सकते हैं, फोल्डिंग डोर मिलता है, यहाँ पर इमरजेंसी हैमर है। और अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो बच्चे नीचे गिर सकते हैं, जिसकी वजह से हैपनिंग हो सकता है। इसी बात को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आपको एक एडिशनल गार्ड भी मिल जाता है। और पोल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टॉप बटन मिल जाता है। दोस्तों ये थी टाटा मोटर्स की 410/36 बस। इस बस की एक शोरूम कीमत जो है वो 20.5 लाख रुपये से शुरू होती है, यानी कि 20,50,000 रुपये से इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत शुरू होती है।
जिसमें फास्टैग, इंश्योरेंस और आरटीओ को मिलाकर गाड़ी की जो कीमत है वो थोड़ी बढ़ जाती है। आपके राज्य में इस गाड़ी की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और अगर आपको इस गाड़ी को नासिक, धुले, नंदुरबार में खरीदना होगा तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।